दोस्तों नमस्ते। रात के करीबन 4:30 बज चुके। हमारे परम मित्र आदरणीय दायमा जी, जिन्होंने फोन कॉल करके सर्प मित्र वनिता जी को यहाँ बुला लिया है। एक बार फिर से हम शेलगांव देशमुख में दाखिल हो गए दोस्तों। रात का समय है और बहुत ही भारी भरकम सांप इस कूलर के अंदर नीचे बैठ चुका है दोस्तों। सर्प मित्र वनिता जी जो कि पूरी तैयारियों के साथ हम लोग देख रहे हैं, इस कूलर के नीचे सांप बैठा हुआ है और निकलना अनिवार्य है। ये जो घर है, सामान हटाना जारी है दोस्तों। कुछ ही क्षणों में पाएंगे एक सुंदर सांप को। रात का समय है, जब भी सांप निकलता है दोस्तों तो घर में तो हड़बड़ मची जाती है, लेकिन अक्सर चूहे खाने के लिए एवं ठंडक की तलाश में सांप रात में घर पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूलर चल रहा था और कूलर के अंदर पानी का टब हम लोग देख रहे हैं, और कूलर के इस रूम में ज्यादा ठंडक है। सांप शीत रक्त के प्राणी होते हैं और उनको किसी भी हालत में गर्मी से बचाव करने के लिए ठंडक की तलाश रहती है, और इसलिए ज्यादातर सांप रात के समय में या तो जहाँ पर घर में बाथरूम होता है वहाँ पाए जाते हैं। मत दोस्तों बहुत ही इसको जरा वेट लॉस करते हैं इसका। एक वकील है जो प्रतिदेश है और सुप्रसिद्ध विधिज्ञ है, हमारे दायमा जी है, बोरा जी है, सर्प मित्र वनिता जी और गांव के लोग हैं। दोस्तों सांप वैसे देखा जाए तो जहरीला सांप है, बहुत खुकार है। अरे जगह कम है वहाँ पर, आप मुझे पायद कहीं नहीं सर। हाँ आप बाजू में हट जाइए, जो असुरक्षित है बाजू में हट जाइए। एक तो वहाँ से इधर यहाँ पलटी कर दीजिए उसको, ऐसा इस साइड में। अच्छा एक बहुत ही वेटेड है और उसको पलटी मारा जाएगी, और उसके नीचे सांप बैठा हुआ है। मैडम जी ने नियोजन किया है और सबको बोल रहे हैं कि जैसा बोलते हैं ऐसा कीजिए। सब लोग मिलके उसको नहीं पलटी मारेंगे तो भी हो जाएगा, छोड़िए मत खाली। और 1 2 3 बिल्कुल सब लोग मिलके बॉक्स उठा रहे। ये देखिए कितना बड़ा सांप है, बहुत ही सुंदर सांप, और दोस्तों उतना ही सुंदर फन और सक्सेसफुली रेस्क्यूड। टुडे वी आर एट द शेलगांव देशमुख तहसील मेहकर डिस्ट्रिक्ट बुलढाणा इन महाराष्ट्र स्टेट। दिस इज द बॉर्डर विलेज एंड एट नाइट मिडनाइट मिस्टर दायमाजी हैव कॉल्ड टू स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे फॉर रेस्क्यूइंग दिस कोबरा, एंड नाउ वी आर कमिंग हियर बाय द कार, एंड नाउ द 4:30 PM स्नेक फ्रेंड वनिता बोराडे हैव सक्सेसफुली रेस्क्यूड दिस कोबरा व्हिच इज अ वेरी वेरी डेंजरस and very aggressive, very healthy and very strong cobra. Snake friend Vanita Borale is a WCP member, 1975 client of 75's, international member of the PFA and the president of Swari Vanchari Multipurpose Foundation. She successfully rescued this cobra we are seeing in this video. Wow, it's a beautiful hood and hissing noise. We are seeing this is the cobra which is dangerous with the neurotoxic poison. If it may be bite, please do the first aid and final treatment at only the civil hospital. This is a very risky cobra which is a come in the searching of food and दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी को, जिन्होंने बड़े यशस्वी रूप से यहाँ पर एक बहुत ही भारी भरकम स्पेक्टेकल कोबरा को रेस्क्यू किया है। सांप को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर सांप है, हम लोग देखते हैं। मैडम जी ने उसको पकड़कर एक लकड़ी बॉक्स जिसके अंदर सांप बैठा था उसको यहाँ पर विराजमान किया है दोस्तों। बहुत ही सुंदर सांप है और इसका सुंदर फन दोस्तों आप देख फोटो निकल। ये जो सांप है फीमेल है, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि सृजन का जो विषय होता है ईश्वर ने महिलाओं के ऊपर दिया है, इसलिए इस सांप के पेट में जो अंडे रहते हैं उसमें से बहुत सारे आगे चल के छोटे छोटे सांप एवं बच्चे इसके बाहर आ सकते थे दोस्तों। एक सांप जब हम रेस्क्यू करते हैं सक्सेसफुली तो करीबन 20-25 सांपों को जीवदान देने का काम कार्य होता है। जीवदान देने का कार्य होता है दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता जी को, जिन्होंने अपने हाथ में उसकी पूंछ पकड़ के रखी है
और सांप जो है बिल्कुल ऐसी पोज दे रहा है जैसे कि कोई फिल्म का शूटिंग हो रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा अच्छी ढंग से इतने सारे लोग मुझे देखने आ गए। सांप जो है अक्सर डरावने होते हैं और वो जानलेवा भी हो सकते हैं, खतरनाक भी होते हैं, लेकिन खुद होके काटते नहीं। डरपोक प्राणी होते, शीतरक्त के प्राणी होते और खुद होके हल्ला नहीं चढ़ाते। लेकिन कथा, कादंबरियां, धर्म ग्रंथ एवं फिल्मों में हमने सांपों का बहुत सारा वहम भरा और गैर समझ से परिपूर्ण अंधश्रद्धा से युक्त ऐसा बहुत सारा कथा देख चुके हैं, इसलिए हमारे मन में सांपों का डर बच चुका है दोस्तों। ज्यादातर सांप डरपोक प्रवृत्ति के होते, खुद होके काटते नहीं, आक्रामक होते नहीं, फिर भी इच्छाधारी नागिन, दूध का कर्ज, नगीना, निगाहें जैसे फिल्मों में लोगों के मन में अंधश्रद्धा एवं सांपों के प्रति गैर विश्वास बिठा दिया है, इसलिए लोग सांपों की बहुत सारी कथाएं हमको सुनाते हैं। वास्तव में सांप एक शास्त्रीय प्राणी है, हर्पटोलॉजिकल एनिमल है, शीत रक्त का प्राणी है। टॉर्च ऑफ करो, नीचे करो, नहीं नहीं टॉर्च नहीं चाहिए। मैडम पकड़ो इसको, ये तो जिक्र आवाज करते।